जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। जिले की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वाल्मीकि समाज द्वारा अभिनेताओं के अपशब्दों को लेकर दिया ज्ञापन। नगर पालिका उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा, कुर्सी रही बरकरार। साइकिल वितरण से शिक्षा के प्रति बढ़ा बालिकाओं का रुझान। चौहान बने कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष। खेतेश्वर युवा संगठन ने विद्यालय में लगवाए सीसीटीवी कैमरे। देवतड़ा में पुरातन गोगाजी मंदिर का नवीनीकरण आरंभ। नदी रपट की चार दीवारी में घटिया सामग्री का आरोप। गतपुरा व जाग क्षतिग्रस्त मार्ग हादसों को दे रहा बुलावा। खानपुर में बसपा की बैठक का हुआ आयोजन। कॉलेज में हुआ फूड फेस्टिवल का आयोजन। कृष्ण मेघवाल का नेशनल मूड मीट में हुआ चयन। बालिकाएं शैक्षिक भ्रमण के लिए उदयपुर रवाना। व्यथाता लगाने के आश्वासन पर एबीवीपी का धरना समाप्त। राजस्थान राजपूत स्नेहा मिलन समारोह रविवार को। विजयवाड़ा में राष्ट्र को समर्थ बनाने हेतु होगा अश्वमेध यज्ञ। और अब समाचार विस्तार से। वाल्मीकि समाज द्वारा अभिनेताओं के अपशब्दों को लेकर दिया ज्ञापन। जालोशी राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार फिल्मी अभिनेता सलमान खान एवं शिल्पा सेठी के द्वारा जाति सूचक अपशब्दों के प्रयोग करने के विरोध में आज जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष वाल्मीकि समाज जालोर द्वारा विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के मार्फत अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार को ज्ञापन देकर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। इस दौरान वाल्मीकि समाज के कई लोग मौजूद थे। नगर पालिका उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा, कुर्सी रही बरकरार। सांचौर से अमृत सोलंकी की रिपोर्ट के अनुसार नगर पालिका सांचौर में गुरुवार को अध्यक्ष इंदिरा खोरवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद शुक्रवार को उपाध्यक्ष दिलीप राठी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने पार्षदों के नहीं पहुंचने पर उपाध्यक्ष की कुर्सी बच गई। इस दौरान समर्थकों ने शहर में जुलूस निकाला। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर ने बताया कि उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर होने वाली प्रक्रिया में 11 बजे से 12 बजे तक अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले में 19 पार्षदों का कोरम पूरा हो उसके बाद 1 बजे से 2 बजे तक मतदान का समय था। उस समय परिसर में कोई पार्षद तक नहीं आए, ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी, राव मोहन सिंह चितलवाना, पार्षद योगेश जोशी, हरीश पुरोहित सिलू सहित बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। साइकिल वितरण से शिक्षा के प्रति बढ़ा बालिकाओं का रुझान। समुद्र सिंह राठौर सीवड़ा की जानकारी के अनुसार राजस्थान सरकार की साइकिल वितरण योजना अंतर्गत जिले भर में जगह जगह साइकिलों का वितरण किया गया। योजना अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालय सीवड़ा में हुआ कक्षा 9 की छात्राओं को सरपंच प्रतिनिधि, उप सरपंच चुन्नीलाल पुरोहित, मोर सिंह, मोहन सिंह, प्रधानाचार्य सोहनराम पुरोहित समेत छात्रों के परिजनों एवं अतिथियों की उपस्थिति में साइकिलें वितरित की गई। इसी कड़ी में आगे परशुराम जोमोड़ी की रिपोर्ट के अनुसार सायला के निकट श्री नाथीबाई उच्च राजकीय माध्यमिक विद्यालय रेवतड़ा में साइकिल वितरण का समारोह हुआ। आयोजन में कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य नाथुराम गवारिया व कार्यक्रम प्रभारी नरसिंह दास व वार्ड पंच बाबूदास सहित स्कूल स्टाफ व ग्रामवासी मौजूद रहे। इसी प्रकार बालवाड़ा से मनोहर सिंह परमार की रिपोर्ट के अनुसार आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालवाड़ा में गुरुवार को सरपंच भावाराम देवासी तथा प्रधानाचार्य सूरजपाल सिंह की मौजूदगी में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत 31 छात्रों को साइकिल वितरित की गई। इस अवसर पर व्याख्याता गजेंद्र दास वैष्णव, भोपाल सिंह, राम खिलाड़ी मीणा, रसीला वैष्णव, गंगा सिंह, भावना चंद्रशेखर सहित कई अध्यापक गण मौजूद थे। इसी तरह से भीनमाल के निकट आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वाड़ा भाड़वी में आज 35 छात्रों को साइकिल वितरित की गई। इस दौरान प्रधानाचार्य गोपी चंद विश्नोई ने बताया कि बालिकाओं को सरकार की इस योजना से दूर दराज से आने में राहत प्रदान हुई है। इस अवसर पर व्याख्याता हनुमान राम, रघुनाथ राम, गणपत लाल, रामचंद्र, नरसिंह राम देवासी सहित विद्यालय स्टाफ व कई अभिभावक मौजूद थे। चौहान बने कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष। कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष
गजेंद्र सिंह राठौर जयपुर ने बताया कि जालौर जिले के सरदारगढ़ खेड़ा गांव के अजय चौहान को जालौर जिला अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष राठौर ने जिला अध्यक्ष चौहान को अपने पद पर मनोनीत कर पद व गरिमा की शपथ दिलाई। प्रदेश अध्यक्ष राठौर ने बताया कि जिला अध्यक्ष चौहान को जिला जालौर शाखा के कार्य संचालन के समान स्वतंत्र अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ज्ञातव्य रहे कि अजय चौहान मूल रूप से कनिष्ठ लिपिक पद पर सांचौर में अपनी सेवाओं का लाभ दे रहे हैं। अजय चौहान के जिला अध्यक्ष मनोनीत करने पर जालौर जिले के उनके विभागीय अधिकारियों एवं समाज बंधुओं में खुशी की लहर है, जिसको लेकर सभी ने उन्हें बधाइयां प्रेषित की। खेतेश्वर युवा संगठन ने विद्यालय में लगवाए सीसीटीवी कैमरे। तवाब से विक्रम सिंह राज पुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती राजकीय माध्यमिक विद्यालय खानपुर में राज पुरोहित खेतेश्वर युवा संगठन खानपुर की ओर से विद्यालय के सभी कमरों, बरामदे तथा प्रांगण में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए। एसएमसी अध्यक्ष रमेश कुमार पुरोहित ने बताया कि करीबन 70,000 से 80,000 के बीच की लागत से कैमरे लगवाए गए हैं। प्रधानाध्यापक जबर सिंह राव ने बताया कि 2-3 महीने पहले रमेश पुरोहित की ओर से बायोमेट्रिक मशीन भी विद्यालय में लगवाई गई और प्रधानाध्यापक ने बताया कि पुरोहित समाज का विद्यालय विकास में हमेशा सहयोग रहता है। रेवतड़ा में पुरातन गोगाजी मंदिर का नवीनीकरण आरंभ। परशुराम जमोड़ी की रिपोर्ट के अनुसार सायला के निकटवर्ती रेवतड़ा में गोगाजी महाराज मंदिर का नवीनीकरण की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई है। बुजुर्गों से मिली जानकारी के अनुसार यह मंदिर कम से कम 1200 से 1300 वर्ष पुराना है एवं चमत्कारिक भी है, जहां पर 36 कौम समाज के बंधुओं व भक्तजनों ने मिलकर यहां पर एक नई अत्यंत सुंदर मूर्ति विराजमान करने का निर्णय लिया। इस अवसर पर भक्तों का सहयोग मिल रहा है और निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालौर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नदी रपट की चार दीवारी में घटिया सामग्री का आरोप। बागोड़ा से रिडमलदान राव की रिपोर्ट के अनुसार बागोड़िया धुमड़िया के बीच नदी में 4 माह पहले बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त रपट की चार दीवारी के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करने का सरपंच व ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। नदी में क्षतिग्रस्त रपट की चार दीवारी में घटिया सामग्री प्रयोग करने की जानकारी मिलने पर गुरुवार को धुमड़िया सरपंच जालाराम मेघवाल व पंचायत समिति सदस्य हरीश कुमार वाणिका ने बांडी नदी पर मौके पर जाकर पानी बहाव से टूटी रपट की दोनों ओर निकाली जा रही सुरक्षा दीवार के निर्माण कार्य का जायजा लिया तो स्थिति खुद ब खुद सामने आ गई। निर्माण कार्य के हालात ये थे कि पुराने क्षतिग्रस्त दीवार के ऊपर ही बिना रेत हटाए लिपापोती कर घटिया पत्थरों को रेत व कम मात्रा में सीमेंट के मसाले से लगाया जा रहा था। इस दौरान मौके पर खड़े ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग सार्वजनिक निर्माण विभाग के सह पर ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए बताया कि निर्माण कार्य में जो पत्थर उपयोग में लिए जा रहे हैं वो गलत है। साथ ही ठेकेदार ने भी मौके पर आकर बात को टालमटोल कर सही कार्य करने की बात कही। इस पर पीडब्ल्यूडी सहायक अभियंता तेजाराम विश्नोई ने बताया कि धुमड़िया नदी में बाढ़ व अतिवृष्टि से टूटी रपट की सुरक्षा दीवार की अस्थायी मरम्मत कार्य किया जा रहा है और जो सड़क के नीचे पानी निकासी के पाइप लगे हैं वे मजबूत हो सके तथा वाहनों के संचालन में परेशानी नहीं हो। रतपुरा व जाख क्षतिग्रस्त मार्ग हादसों को दे रहा बुलावा। रामसिंह से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती रतपुरा व जाख गांव जाने वाला सड़क मार्ग लंबे समय से आंसू बहा रहा है। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों का कहना है कि रामसिंह से रतपुरा व जाख गांव जाने वाला सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त व जर्जर हालत में है, जिसके कारण राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एवं हादसे घटने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी भी रतन बंसल का इस बारे में कहना है कि जो सड़क मार्ग रतपुरा व जाख गांव मार्ग क्षतिग्रस्त है,
इस सड़क मार्ग की स्वीकृति हो गई है और जल्द से ही सड़क मार्ग का निर्माण किया जाएगा। खानपुर में बसपा की बैठक का हुआ आयोजन। कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार जिले के भीनमाल उपखंड मुख्यालय के निकटवर्ती खानपुर में बहुजन समाजवादी पार्टी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थानी संस्कृति के अनुसार बसपा के पदाधिकारियों का माला पहनाकर बहुजन समाज के लोगों द्वारा स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश बसपा पार्टी के प्रदेश महासचिव अहमद रसीद मलिक व विशिष्ट अतिथि के रूप में बसपा जालोर के मीडिया प्रभारी जितेंद्र कुमार नवल व अध्यक्षता एडवोकेट सुखराम बोस ने की। कार्यक्रम का संचालन मेघवा समाज चेतना संस्थान जालोर जिला सचिव हरीश कुमार बोस ने करते हुए बहुजन समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता जाहिर की। इस दौरान बसपा के मीडिया प्रभारी जितेंद्र नवल ने कहा कि बसपा एक ऐसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जो बहुजन समाज का हितेशी है। इस मौके पर भीमसेना जालोर महामंत्री वसनाराम भाटी, भलाराम मेघवाल ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस बैठक में खंगार भाटी, खीमाराम बोस, जोगाराम रोहिन, रमेश कुमार सहित सैकड़ों बहुजन समाज के लोग मौजूद थे। कॉलेज में हुआ फूड फेस्टिवल का आयोजन। रघुवीर सिंह सोलंकी की जानकारी के अनुसार श्री रघुनाथ बिश्नोई मेमोरियल कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के दौरान फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं के 10 दलों में विभाजित कर स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर एस के उबा, नैनाराम शारदा बिश्नोई, कार्यक्रम अधिकारी कौशल्या उबा, छात्र संघ अध्यक्ष गणपत सिंह सोलंकी, छात्र नेता दशरथ सिंह रावणा, मोहन सिंह आजोदर सहित कई शिक्षक एवं छात्र व छात्रा उपस्थित थे। कृष्ण मेघवाल का नेशनल मूड मीट में हुआ चयन। कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार जिले के रानीवाड़ा के कृष्ण कुमार मेघवाल का नेशनल मूड मीट में चयन हुआ। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के रोवर ग्रुप के 44वां रोवर के रोवर कृष्ण कुमार मेघवाल का चयन किया गया। सीनियर रोवर मेट अशोक पांचाल ने बताया कि 28 दिसंबर 2017 से 1 जनवरी 2018 को स्पेशल नेशनल मूड मीट शिविर कर्नाटक राज्य के मैंगलोर में आयोजित होगी। मेघवाल रानीवाड़ा के निकटवर्ती जोड़वाड़ गांव के रहने वाले हैं और जेएनवीयू जोधपुर में बीएससी तृतीय वर्ष में अध्ययनरत है। कृष्ण कुमार के चयन होने पर उनके माता पिता, उनके मित्रों सहित समाज के प्रबुद्ध लोगों ने खुशी जाहिर की। इस पर मेघवाल को डॉक्टर मोहन मेघवाल, अशोक पांचाल, रेवाराम चौहान, सुरेश मेघवाल, महेंद्र परमार सहित सैकड़ों समर्थकों एवं समाज बंधुओं ने बधाई दी। बालिकाएं शैक्षिक भ्रमण के लिए उदयपुर रवाना। रमजान मेहर सेवड़े की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा प्रभारी पुरुषोत्तम परिहार ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान जालोर के तत्वावधान में भीनमाल ब्लॉक में स्थित पुनासा राजकीय कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राएं 2 दिवसीय शैक्षिक भ्रमण के लिए बस द्वारा उदयपुर के लिए रवाना हुई, जिसे पुनासा पूर्व सरपंच शक्ति सिंह राठौर, बन्ने सिंह व डूंगर सिंह राठौर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका अंजू सोढ़ा ने बताया कि स्कूली बालिकाएं स्टाफ शैक्षिक भ्रमण के 2 दिवसीय भ्रमण दल पुनासा से जावाल केजीबीवी, हल्दीघाटी, गोगुंदा से शाम तक उदयपुर पहुंचेगा। सायकाल सुखाड़िया सर्किल भ्रमण कर धर्मशाला में विश्राम करेंगे। उदयपुर के सभी ऐतिहासिक धरोहरों से बालिकाओं को रूबरू करवाते हुए शाम तक केजीबीवी पुनासा पहुंचेंगे। दल में सभी बालिकाओं के साथ विद्यालय का समस्त स्टाफ साथ रहेगा। व्याख्याताल लगाने के आश्वासन पर एबीवीपी का धरना समाप्त। भीनमाल से जेठाराम गोयल की रिपोर्ट के अनुसार जीके गोवाणी राजकीय महाविद्यालय भीनमाल में व्याख्याताओं की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन कर कॉलेज में जल्द व्याख्याता लगाए जाने की मांग कर रहे थे। कॉलेज में 17 व्याख्याताओं के रिक्त पड़े पदों को लेकर आज भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह बालावत, प्रधान तुकाराम पुरोहित, नगर पालिका चेयरमैन सावलाराम देवासी, भाजपा नगर अध्यक्ष भरत सिंह भोजानी, भाजमो जिला अध्यक्ष हिंगलाज दान चारण, जोरावर सिंह राव सहित भाजपा पदाधिकारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर छात्र नेता एवं उपस्थित छात्र छात्राओं से समझाइश की तथा जिला अध्यक्ष बालावत ने मौके पर से ही शिक्षा मंत्री से वार्ता कर एवं छात्रों की एक कमेटी बनाकर जयपुर में शिक्षा मंत्री से मिलकर जल्द ही कॉलेज में व्याख्याताओं की नियुक्ति करवाने को लेकर सहमति बनी। इस ठोस आश्वासन के बाद धरने को स्थगित किया गया। राजस्थान राजपूत स्नेह मिलन समारोह रविवार को।
साला से सुमेश सिंह की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के अहमदाबाद शहर के ओढ़व मुरलीधर सोसाइटी स्थित राजस्थान राजपूत समाज अहमदाबाद का स्नेह मिलन सम्मेलन समारोह रविवार 24 दिसंबर को सुबह 8 बजे आयोजित किया जाएगा। समाज के अध्यक्ष हक सिंह राठौड़ वाड़ा भाड़वी ने बताया कि सम्मेलन को लेकर सभी तैयारियां जोरों पर पूरी कर ली गई है एवं आमंत्रण पत्रिका भी बांटी जा रही है, जिसमें विशेषकर मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, मदुराई, गोवा, सेलम तथा इरोड से राजपूत समाज व इससे जुड़े संगठन के लोग भाग लेंगे। कार्यक्रम में जालौर जिला प्रमुख वन्य सिंह गोहिल, सालार प्रधान जबर सिंह तुरा, केवाई माता मंदिर अध्यक्ष उग सिंह दहिया, श्री राजपूत करणी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी व होती सिंह दहिया, भोप सिंह दहिया सुराणा व पन्ने सिंह दहिया सहित समाज बंधु वहां भाग लेंगे। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रहेगी। विजयवाड़ा में राष्ट्र को समर्थ बनाने हेतु होगा अश्वमेध यज्ञ। विजयवाड़ा से पर्वत शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय वन टाउन स्थित श्री महेश ट्रस्ट द्वारा निर्मित श्री सुखदेव राठी माहेश्वरी भवन में गत दिनों अश्वमेध गायत्री महायज्ञ के लिए पोस्टर विमोचन किया गया। इस अवसर पर गायत्री परिवार से श्री राम शर्मा ने पोस्टर विमोचन करते हुए कहा कि अश्वमेध गायत्री महायज्ञ का आयोजन NRI कॉलेज एवं हॉस्पिटल मंगलगिरी आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन से 17 किलोमीटर दूर चेन्नई हाईवे पर 5 से 8 जनवरी 2018 को किया जाएगा, जिसका उद्देश्य राष्ट्र को समर्थ एवं खुशहाल बनाने का है, जिसमें उन्होंने अधिकाधिक श्रद्धालुओं को भाग लेने का आग्रह किया है। और अंत में मौसम विज्ञान की खबरों में, आज जालौर शहर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जल समय की समाचार खबरों में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय भारत, जय जालौर।